हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में जैसा आपने वीडियो के टाइटल में पढ़ा होगा, आपकी बाइक का जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है। और फ्रेंड्स, आप सभी के मन में काफी ज्यादा ये सब बातें उठती होंगी कि जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो कैसे काम करता है। आप लोग सोचते होंगे कि जो बाइक से गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो बाहर उस एग्जॉस्ट सिस्टम से होते हैं निकल जाते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस रहता है, ज्यादा कुछ उसमें होता नहीं है। लेकिन फ्रेंड, वो जो एग्जॉस्ट सिस्टम होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। काफी ज्यादा उसमें टेक्निक यूज करी गई है, काफी ज्यादा उसमें प्रोसेस यूज करे गए हैं, काफी ज्यादा उसमें पॉइंट्स यूज करे गए हैं, तब जाके एक एग्जॉस्ट सिस्टम बना है। और फ्रेंड्स, उस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, जरूरी न्यूज है आप सभी के लिए, वो ये है, क्योंकि जो लोग मेरे को, मेरे सब्सक्राइबर यूट्यूब पे जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो लोग जो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे थे अभी तक टेक बाइक वन के नाम से, वो अब मेरे को फॉलो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स वो जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो मैंने डिलीट कर दिया। और डिलीट करने के पीछे रीजन ये है, मेरे दो इंस्टाग्राम पे अकाउंट थे। पहला था एडवर्ड 07 जो मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए था, और दूसरा था मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर के लिए टेक वाइब 1 के नाम से। और फ्रेंड, दोनों जगह एक्टिव होना काफी दिक्कत वाला प्रोसेस था, काफी कंजेस्टेड टाइप का हो जाता था कि वहां पे आंसर जल्दी नहीं दे पा रहा था आपकी क्वेरीज के, और जो लोग आप मेरे से पूछते थे, क्योंकि मैं अपने पर्सनल अकाउंट में बिजी रहता था। फ्रेंड्स, अब से ऐसा नहीं होगा, अब से आप मेरे को मेरे जो पर्सनल अकाउंट है एडवर्ड 07 के नाम से अगर आप सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे तो बिल्कुल मिल जाएगा, और यहाँ पे वीडियो के नीचे कहीं पे आ रहा होगा एडवर्ड 07 के नाम से, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के दे दूंगा एडवर्ड 07 का जो इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है वो। फ्रेंड, बिल्कुल फॉलो कर लीजिए, आपकी जो क्वेरीज रहती है उन सबका मैं आंसर दे दिया करूंगा एक घंटे के अंदर अंदर। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम की और एग्जॉस्ट सिस्टम कैसे काम करता है। फ्रेंड्स, जो आपकी जो बाइक है, इतना तो सबको पता होगा, बाइक का जो इंजन होता है, इंजन के अंदर पेट्रोल डाला जाता है, और पेट्रोल जलता है तब जाके आपकी बाइक कहीं घूम पाती है, मतलब चल पाती है आपकी बाइक। और फ्रेंड्स, पेट्रोल जब इंजन में पहुंचता है जलने के लिए, उस टाइम क्या होता है ना, जब आप, इतना तो आप सभी को पता होगा, कोई भी चीज जलाएंगे तो हार्मफुल गैसें निकलेंगी, बिल्कुल गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। बट फ्रेंड्स, पेट्रोल के केस में क्या रहता है ना, जब आप पेट्रोल जलाते हो, आपकी जो बाइक का इंजन होता है, पेट्रोल जब जलता है, उस सिचुएशन में क्या रहता है ना, बाइक का जो पेट्रोल रहेगा, फ्यूल रहेगा, वो जलेगा, और जलने के बाद पिस्टन्स के थ्रू होते हुए यहाँ पे कोई फनल टाइप का कनेक्टेड रहेगा इंजन से। जैसा आप सभी को पता होगा, नॉर्मली बाइक के इंजन से एक फनल टाइप का, एक पाइप टाइप का कनेक्टेड रहता है। और फ्रेंड्स, उस पाइप से होते हुए वो जो गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गई, वो जो हार्मफुल गैसेज हैं वो फनल से होते हुए कैटेलिटिक कन्वर्टर में पहुंचेंगी। और फ्रेंड्स, कैटेलिटिक कन्वर्टर क्या काम करेगा, वो जो हार्मफुल गैसेज थी जो एटमोसफेयर में डायरेक्टली जाने वाली थी, उन हार्मफुल गैसेज को वो इनर्ट गैसेज में कन्वर्ट करेगा। कैटेलिटिक कन्वर्टर का मतलब ही यही है, और उसमें कन्वर्टर शब्द इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि वो जो हार्मफुल गैसेज होती हैं, उनको वो इनर्ट गैसेज में तब्दील कर देता है। मतलब वो जो हार्मफुल गैसेज रहेंगी वो एटमोसफेयर को हार्म नहीं कर पाएंगी, और उनको वो इनर्ट गैसेज में कन्वर्ट कर देगा। और फ्रेंड्स, कैटेलिटिक कन्वर्टर से होते हुए वो जो हार्मफुल गैसेज है वो जाएंगी मफलर में। मतलब सपोज, मफलर क्या काम करता है, वो नॉइज रिडक्शन का काम करता है। मतलब जैसे 100 डेसिबल्स की नॉइज आ रही थी, उसको वो रिड्यूस करके फ्रेंड्स 30 डेसिबल्स पे ला देगा। मतलब जब आपको अंदाजा भी नहीं लगा सकते, अगर आप बिना साइलेंसर के अपनी जो बाइक है उसको चलाएं तो कितनी ज्यादा नॉइज करेगी और कितनी ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन फैलाएगी, अगर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आप बिना साइलेंसर, बिना एग्जॉस्ट सिस्टम के अगर आप अपनी बाइक राइड करते हैं तो काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा नॉइज आती है उससे। फ्रेंड, बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस है, कैटेलिटिक कन्वर्टर से मफलर में जाएगा, और मफलर क्या करेगा, वो जो गैसेस थी उनकी जो क्वांटिटी थी, मतलब सपोज इतनी क्वांटिटी होके, इतनी स्पेस ऑक्यूपाई होके गैसेस चल रही थी, उनको वो कंप्रेस करेगा वहां जाके। और फ्रेंड्स, कंप्रेस करने के बाद मफलर वहां पे जाके एक ब्लॉकेज टाइप का बना देगा आपके एग्जॉस्ट सिस्टम में, और वो ब्लॉकेज क्या काम करेगा, जो आवाज हो रही थी, मतलब जो साउंड आ रही थी काफी हाई वेलोसिटीज के साथ जो साउंड आ रही थी, उसको वो कंप्रेस करेगा, और कंप्रेस करने से वो उस नॉइज को रिड्यूस कर देगा मफलर। और रिड्यूस करने के बाद फ्रेंड्स, वहां पे मफलर के आगे एक रेजोनेटर लगा होता है, रेजोनेटर के थ्रू एक नॉर्मल सा पाइप रहता है, और उसके थ्रू वो जो गैसेज है वो बाहर निकल जाती है। मतलब कुल मिला के सीन ये है कि कैटेलिटिक कन्वर्टर हार्मफुल गैसेस को हटाएगा, उनको इनर्ट गैसेस में तब्दील करेगा, और मफलर जो है वो हाई वेलोसिटी के साथ जो गैस आ रही थी काफी आवाज करते हो, उसको वो वहां जाके दबा देगा और नॉइज को रोक देगा। जो नॉइज हो रही थी, काफी ज्यादा होने वाली थी, क्रिएट होने वाली थी, उस नॉइज को वो रोक देगा। और रोकने के बाद नॉर्मल सा रेजोनेटर के थ्रू जाके, नॉर्मल सा पाइप रहता है रेजोनेटर, और उसके थ्रू जाके आपकी जो बाइक की जो हार्मफुल गैसेस है वो निकल जाएंगी बाहर।
और फ्रेंड्स वहां पे क्या रहता है ना रेजोनेटर में, आप सभी ने देखा होगा अपनी बाइक्स में कभी कभी जब एग्जॉस्ट सिस्टम जहाँ पे एंड होता है वहां पे एक छोटा सा छेद टाइप का हो जाता है, हर हर बाइक में होता है, जब बाइक काफी 2-3 साल पुरानी हो जाती है तो छोटा सा छेद हो जाता है। वो छेद इसलिए होता है क्योंकि वो काफी हाई वेलोसिटी के साथ वो जो गैसेस थी वो जा रही थी और उसको वो वहां पे जाके रोका करता था रेजोनेटर और मफलर, तो उसके कारण वो छोटा सा छेद हो जाता है। तो वो नॉर्मल सा हर बाइक में आपको देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अभी तक आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो कर लीजिए, Edward07 के नाम से मेरी नई इंस्टाग्राम आईडी है। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को एक लाइक देके मेरा जो चैनल है टेक वाइज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आप बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स एंड वीडियो मेरे देख पाएंगे ऑटो रिलेटेड। तो फ्रेंड मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।